फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा। मीठा क्या होता, कभी कभी खाने को मन करता सडनली क्या खाएं, कुछ मीठा नहीं होता, तो ये आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और ये बहुत ही फेमस है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज आटे की गुलगुले, वो भी मैं बनाऊँगी बनाना डाल के, और ये बहुत टेस्टी होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ले लेंगे 2 केले। केला आपका अच्छा पक्का होना चाहिए और ये बहुत बनाना इजी है। 2 केले ले लिए। इसको अच्छे से, आपके पास मैशर है तो मैशर से कर लीजिए या फिर चम्मच से भी कर सकते हैं। मैं हाथ से कर लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हाथ सबसे सही रहता है। हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे पहले। ये देखिए हमने कितने अच्छे से मैश कर लिया। लोग बोलते हैं ना स्पून से खाना और हाथ से खाने का बात अलग है। तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप गुड़। आप चाहे इसमें चीनी डाल सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 बनाना लिए हैं तो मैंने इस हिसाब से डाले हैं, क्योंकि मीठा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ज़्यादा और चाहिए तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि बनाना भी मीठा होता है और गुड़ भी मीठा होता है और गुड़ अच्छा भी होता है चीनी की जगह। तो मैंने गुड़ लिए है। आप चाहे तो गुड़ को हल्का सा मेल्ट कर सकते हैं पानी में डाल के, या फिर इस तरह जैसे मैंने चाकू से इसको छील लिए थे ऊपर ऊपर से, तो ये अच्छे से निकल गए थे। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप आटा। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप डालेंगे हम सूजी। सूजी आप कोई सा भी ले लीजिए, मोटा पतला सब सूजी चलेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी इलायची पाउडर। आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं या फिर दोनों ही डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए मैंने सारा कुछ इसके से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पहले 1/2 कप पानी डाल देते हैं, मैंने 1 कप पानी लेके रखे हैं, तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं पहले। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि हमें जो घोल बनानी है थोड़ा थिक घोल बनानी है, ताकि हमें जो गुलगुले हैं ना हाथ से ऐसे ऐसे छोड़ने हैं जैसे पकोड़े हम छोड़ते हैं। पकोड़े तो बहुत पतला होता है, तो इसको हमें ना ऐसे करके ऐसे करके ऐसे छोड़नी है, तो उस हिसाब से हमें बनाने हैं इसको। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई इसमें गुठलियां ना रहे। ये देखिए हमने मिला लिया। अब 3/4 हम डाल देंगे इसमें बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग सोडा है तो आप 1/2 चम्मच डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें जो पानी यूज़ किए थे पूरा 1 कप पानी सारा यूज़ हो गया मेरा, अब इसके बाद नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, फिर हम बनाना शुरू करेंगे अपना गुलगुले। तेल हो गया है गरम, अब हम गुलगुले को डालना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे डालिए, मैं तो ऐसे ही डालूंगी ताकि वो सेप तो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। तेल हमें अच्छे गरम चाहिए और सबको ऐसे करके हम छोड़ देंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। देखिए ये गुलगुले कितने अच्छे बढ़िया फूल रहे हैं ना, मस्त देखने में अच्छा लग रहा है। और आटा का है और भी ज्यादा हेल्दी है और ये अच्छा भी है। बच्चे को भी आप प्यार से खिला सकते हैं।
देखिए अब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, डार्क गोल्डन हो जाए, तेल अगर ज्यादा गर्म हो रहे हैं तो आप फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं ताकि हमें इसको धीमी धीमी पकाने हैं। अच्छे से कलर चेंज हो जाए, देखिए फ्रेंड्स इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, अब देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, सबको अच्छे से तेल निकाल लेंगे ऐसे करके, और फ्लेम को बिल्कुल ही कम रखेंगे ताकि जो बाकी हैं वो फिर जल ना जाए। तो हम इसको सब निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे गुलगुले नरमा नरम गुलगुले बन के तैयार हो गया और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और बहुत ही आसान है, बस एक चीज़ याद रखेंगे कि आपके जो बैटर है वो थोड़ा फ्लफी होना चाहिए, बस बस आपके गुलगुले बहुत अच्छे बनेंगे। बाकी आप मीठा अपने अनुसार, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये कितना सॉफ्ट, ये देखिए और इतना सॉफ्ट बना है और ये बहुत मस्त है। तो मैं उम्मीद करूंगी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो नीचे, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ, कुछ नए तरीके के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।